यज्ञ अग्नि सी धधक रही है, मधु की भट्टी की ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधुघट ले, मुनि कन्याओं सी मधुघट ले, फिरती साकी बालाएं, किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। मधुशाला की इन रुबाइयों के साथ ही मधुशाला के कवि के रूप में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचे आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की 99वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर सहारा शहर के इस सभागार में सजी इस पावन मधुशाला में आप सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जीवन की आपाधापी के बीच ही आज कुछ लम्हे निकालकर सहारा इंडिया परिवार प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित करता है। सभी कवियों को और सामने विद्यमान इतने वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूं। मैंने पहली बार भारतवर्ष में किसी कवि का इतना बड़ा चित्र देखा है, नेपथ्य में लगा। मैं प्रणाम करता हूं उनको। जब मैं बहुत छोटा था, 8 बरस का, तब से मैंने उनके दर्शन किए और उनसे सीखा। एक शताब्दी का कवि जिसकी ज़रूरत आज हमें महसूस हो रही है बेहद ज़्यादा, इसलिए चूँकि उनकी सहजता, उनका अपनापन, उनकी आत्मीयता आज हमारी समझ में आ रही है। यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, चलो कुछ देर बैठें और कर लें प्यार की बातें। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को इश्क के दरिया की रवानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। ये प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी, खुल खेल के पी, झुक झूम के पी, मत गैर से नजर बचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला है। कविवर बच्चन जी समष्टि रूप के व्यष्टि रूप परिणाम है, दमित दलित कुंठित मानवता के जीवेशना की उद्दाम लहर है। जग तो गाता है उनकी जो जग की गाते, मैं तो निजमन की गान किया करता। स्फटिक निर्मल और दर्पण स्वच्छ, हे हिमखंड शीतल और समुज्वल, तुम चमकते इस तरह हो चांदनी जैसे जमी है, या गला चांदी तुम्हारे रूप में ढाली गई है। आज का दिन जन्मदिन एक ऐसे महाकवि का, जिनके गीतों ने ही नहीं उसमें समाए, उनके दर्शन ने हिंदी जगत को एक नई दिशा दी। हम खास तौर से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय निकालकर आत्मीय क्षण सहारा इंडिया परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं। खास तौर से अभिनंदन करते हैं सहारा इंडिया परिवार की ओर से। स्वागत करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश विकास परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी का, जिनके बगैर सहारा इंडिया परिवार की कोई भी खुशी अधूरी है। मेरी स्वर लहरी आई है गंगा जमुना की अमर लहर से, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। उसी इलाहाबाद शहर से मुंबई गए कविवर बच्चन जी के सबसे सुंदर छंद, उनकी सर्वाधिक सुंदर कविता सहस्राब्दी के महानायक जिनके लिए उन्होंने लिखा है, दूध नवल, पूत नवल, वंश में विभूति नवल। आज इस मधुशाला में अमिताभ बच्चन जी अगर नहीं आते तो इस मधुशाला का घट खाली रहता। सहारा इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ श्रीमती जया बच्चन जी का, जिनकी गरिमा में उपस्थिति सहारा इंडिया परिवार के लिए हमेशा ही प्रेरणा का सबब बनती रही है। स्वागत करती हूँ श्री अभिषेक बच्चन जी का, जिनकी भावुक उपस्थिति आज के इस माहौल में
और भी रोमांच पैदा कर रही है, हम सबका हौसला बढ़ा रही है। स्वागत करती हूँ श्रीमती पुष्पा भारती जी का, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन में शिरकत करके इसका मान बढ़ाया, इसे गरिमा प्रदान की। और इस स्वागत में अगर मैं एक नाम न जोड़ूं, माननीय श्रीमती पंकजा सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सहारा इंडिया परिवार की ओर से। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए भी क्योंकि एक एक पल में भरना है युग युग की चाहों को। बच्चन जी की इसी कविता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं आज की शाम हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले कवि श्री अशोक चक्रधर जी को। सहारा परिवार के सभी सदस्यों, उनके मुखिया और उनके कारण जो सुखिया हैं, वे सब के सब आदरणीय मुलायम सिंह जी, हमारे देश के नहीं, इस पूरे संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के गौरव अमित जी, अमर सिंह जी, अभिषेक भाई, जया जी, सबको प्रणाम करता हूँ। और जिन जिन नामों को साधना जी ने लिया था उनको भी इसमें जोड़ लीजिए, सबको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक दिव्य सुसंगम थे, भाषाओं के थे, संस्कृतियों के थे, साहित्य के थे। गंगा, जमुना, सरस्वती हर प्रकार से उनके अंदर समाहित थी। वे अंग्रेजी के विद्वान थे तो हिंदी के प्रकांड कवि और उर्दू फारसी के ज्ञाता। तो ऐसी साहित्य की गंगा, जमुना और सरस्वती को मिलाने वाले इस कवि का एक और अभूतपूर्व योगदान हमारी वाचिक परंपरा को मिला है कि वे जहाँ शास्त्रीय कविता के उत्कृष्ट कवि हैं, वहीं वे लोकप्रिय कविता के भी उन्नायक हैं। और उन्हीं को यह श्रेय जाता है कि कवि सम्मेलन जैसी लोकप्रिय विधा आज इतनी विकसित हो रही है। ये कवि आदरणीय बच्चन जी का एक लव्य आपको एक प्रस्तुति दिखाना चाहता है। सबसे हटकर अलग अकेले में बैठे ये क्या लिखते हो, काट छांट करते शब्दों की, सत्रों में बिटलाते उनको, लंबी करते छोटी करते, आंख कभी उठकर दिमाग में मंडलाती है और कभी झुककर दिल में डुबकी लेती है। पल भर में लगता सब कुछ है भीतर भीतर, देश काल निर्बंध जहां पर, बाहर की दुनिया थोथी है, क्षण भर में लगता अंदर सब सूना सूना सूना, सच तो बाहर ही है, एक दूसरे से लड़ता मरता फिर जीता। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं, असुमंजस में है वो भोला पाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। उम्मीद है हम सबको अपनी अपनी मधुशाला मिलेगी, बशर्ते कि हम एक राह पकड़कर चलें। धन्यवाद। और इन्हीं स्मृतियों को ताज़ा करने की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रसिद्ध साहित्यकार और धर्मयुग के संपादक स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की पत्नी श्रीमती पुष्पा भारती जी को, जो स्वयं भी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जिन्हें सुयोग मिला, संजोग मिला धर्मयुग पत्रिका का, जो कि एक ऐसा मंच था, ऐसा सुसंगम जहाँ पर शीर्ष कवियों, लेखकों और साहित्यकारों का संगम होता रहा है। पुरखों को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों में गहराई से बैठा हुआ है। सहारा श्री ने जो ये एक नया संकल्प लिया है,
अपने अग्रजों को याद करने का, उनके जन्मदिन को इस प्रकार इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में मनाने का, ये उनका संकल्प बहुत बहुत अभिनंदन और स्तुति के योग्य है। पूरा हिंदी परिवार उनको बहुत कृतज्ञ रहेगा, धन्यवाद देगा इस एक संकल्प के लिए। उम्र में मैं उनसे बड़ी हूँ, उस नाते मैं उन्हें आशीर्वाद भी देती हूँ कि ईश्वर करे उनका ये संकल्प और विस्तार लेता जाए, खूब खूब बढ़ता जाए। ऐसे कवि में उनकी कविता में जान कहाँ से आई, उनकी कविता की जान क्या थी? दोस्तों आपको बताऊं, इसका जवाब मुझे बच्चन को पढ़ते पढ़ते उनकी कविता में ही मिला। उनकी वो कविता आज मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ। छप चुकी मेरी किताबें पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह के अक्षरों में, और सुने भी जा चुके हैं भाव मेरे देश और परदेश दोनों के स्वरों में, पर खुशी से नाचने को पाँव मेरे उस समय तक है नहीं तैयार जब तक गीत अपना मैं नहीं सुनता किसी गंगो जमुन के तीर फिरते बावले से। ये आदमी सिर्फ ये चाहता था कि गंगा जमुना के किनारे एक बावला सा आदमी चला जा रहा है और इनके गीत गुनगुना रहा है, ये उसकी चाह थी। और बावलों को नहीं जानती, एक बावला मैंने देखा है, उसके साथ जी हूँ, धर्मवीर भारती। अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी उदासी में, अपने उल्लास में, जब भी उनके मन में भावनाओं का उद्रेक उठता था वो बच्चन को गुनगुनाते थे। बच्चन की पंक्तियाँ हर समय उन्हें उनमें खुद नज़र आते थे, खुद गुनगुना करके उन्हीं में सुख पाते थे, उन्हीं में अपने दुख का शमन करते थे। अपने यहाँ कथा है ना कि महारास के दिन जब कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे तो हर गोपी को ये लगता था जैसे कृष्ण उन्हीं के साथ नाच रहे हैं। तो आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप सब बच्चन में इतने डूबे हुए हैं, बच्चन को याद कर रहे हैं, आप कल्पना करिए और आप पा जाएंगे कि बच्चन वहीं कहीं आपके निकट आपके बगल में बैठे हुए हैं। ऐसे थे हमारे बच्चन। और अब आइए आज की इस काव्य संध्या का आगाज करते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हिंदी कविता की विशेष पहचान कराने वाले पोइट्री ऑन व्हील्स के नाम से चर्चित यशस्वी कवि श्री गोपाल दास नीरज जी को मैं आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनके लिए मशहूर है कि आप भाषा को स्वयं रचते हैं और उसे अर्थ रसायन की से शक्तिशाली बनाते हैं। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पर अपने होंठ रख देना, दिल को यकीन आ जाएगा कि पलकों तले भी दिल धड़कता है। इन कविताओं की रचयिता जनाब बशीर बद्र साहब को आमंत्रित करती हूँ, जो उर्दू शायरी में गजल को जिन्होंने एक नई दिशा दी है। कविवर बच्चन जी ने रुबाइयों का प्रयोग हिंदी में पहली बार किया था, उस काव्य शिल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया है डॉक्टर उदय भान हंस जी ने। देश के अकेले सर्वाधिक संवेदनशील मुक्तक लिखने वाले कवि डॉक्टर उदय भान सिंह जी को आदर के साथ सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ और स्वागत करती हूँ। ओज के श्रेष्ठ कवियों में से एक और कई विधाओं में लेखन कर चुके समाजवादी विचारक और माननीय संसद सदस्य डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कितना सच है। लीजिए इस्तकबाल कीजिए बहुत ही सादगी के साथ इसे लिखने वाले जनाब निदा फाजली साहब का मंच पर, गोपाल प्रसाद व्यास और काका हाथरसी जी के हास्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हास्य कविता में मौलिक योगदान देने वाले वरिष्ठ हास्य कवि श्री हुल्लड़ मुरादाबादी जी को आदर के साथ सम्मान के साथ इस मंच पर आने की दावत देती हूँ। और अब आमंत्रित करना चाहती हूँ मक्खन की तरह मुलायम पॉपुलर मेठी जी को आदर के साथ सम्मान के साथ। हमारे अगले आदरणीय कवि हैं कथा में कविता और कविता में कथा को पिरोकर अपना धरातल तैयार करने वाले श्री ओम व्यास जी। छोटे से कस्बे बैतूल से आने वाले श्री नीरज पुरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ।
काव्य संध्या के अगले कवि डॉक्टर सुनील जी जोगी जी को मैं मंच पर आने की दावत देती हूँ। 10 वर्षों में सुनील जोगी जी ने हास्य व्यंग की दुनिया में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। प्यार जिनका प्रिय विषय है और मधुमास जिनकी पुस्तक का नाम है, मैं आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती मधु मोहिनी जी को मंच पर। अशोक चक्रधर जी सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं जो देश विदेश के कवि सम्मेलनों के लिए एक ज़रूरी कवि बन गया है। अशोक चक्रधर सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं जिसने अपनी मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों से हिंदी को हाईटेक करने की पहल की है। अशोक चक्रधर सिर्फ उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जिसने मंचीय हास्य व्यंग को अपने कौशल से, अपने विशिष्ट संचालन से नए आयाम दिए। अशोक चक्रधर नाम है उस व्यक्तित्व का जिसमें अनेक प्रतिभाओं का समन्वय है। केले सबके नाम तू खुलकर अबू सलेम। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला।